उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र, तीन भाग में हम डिवाइड कर रहे हैं। शुरू कर रहे हैं उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। सबसे पहले जो है मोरिजा बनोला क्षेत्र। उत्तरी पूर्व क्षेत्र में कौन कौन से स्थान है, प्रश्न क्या बन गया, मोरिजा बनोला क्षेत्र किससे संबंधित है, मोरिजा बनोला क्षेत्र किससे संबंधित है। दूसरा देखिए नीमला रायसेना क्षेत्र, दूसरा बता रहे हम नीमला रायसेना क्षेत्र, ध्यान से रखना, ध्यान देना इस बात को, नीमला रायसेना क्षेत्र। पहला क्षेत्र हो गया मोरिजा बनोला क्षेत्र, मोरिजा बनोला क्षेत्र, दूसरा नीमला रायसेना क्षेत्र, तीसरा नीम का थाना क्षेत्र, तीसरा क्या हो गया नीम का थाना क्षेत्र, तीसरा कौन सा हो गया नीम का थाना क्षेत्र, और चौथा हो गया डाबला क्षेत्र। नीम का थाना क्षेत्र और चौथा हो गया डाबला क्षेत्र, ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख स्थान है जहां से लोहे का उत्पादन होता है। आगे बात समझ में, पहला मोरिजा बनोला क्षेत्र, ये आप ध्यान में रखेंगे, मोरिजा बनोला जो क्षेत्र है चोमू बनोला क्षेत्र के आसपास, सामोद के आसपास स्थित है और जयपुर से संबंधित है। कौन से में मोरिजा बनोला क्षेत्र किससे, कौन से जिले में स्थित है और किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो जयपुर जिले में स्थित है और लोहे के उत्पादन के लिए, लोहा खनिज जो है उसके लिए ये प्रसिद्ध है। दूसरा जो क्षेत्र है नीमला रायसेना क्षेत्र, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह नीमला रायसेना क्षेत्र जयपुर के पास ही जो दौसा है वहां पर है। आपको पता है नीम का थाना क्षेत्र कहां पर है, अभी सीकर में है, और डाबला क्षेत्र जो है वह झुंझुनू में है। पहले बात तो आप ध्यान में रखेंगे ये चार चीज, भाई मोरिजा बनोला क्षेत्र, नीमला रायसेना क्षेत्र, नीम का थाना क्षेत्र और डाबला क्षेत्र। ये आप लोगों से पहली संभावना प्रश्न पूछे जाने की है कि नीमला रायसेना क्षेत्र जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, मोरिजा बनोला क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, नीम का थाना क्षेत्र जो है वह है मुख्यतः किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, या किस प्रकार का खनिज नीम का थाना क्षेत्र से प्राप्त होता है, फिर डाबला क्षेत्र जो है वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आरएस मेंस के हिसाब से भी इन टॉपिक्स को पहले ध्यान में रखना जरूरी है। फिर मैं अपन बात करूंगा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की, तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो है उसके कौन कौन से हैं। नंबर एक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थूर हुंडूर क्षेत्र, थूर हुंडूर क्षेत्र, थूर हुंडूर क्षेत्र जो है वह उदयपुर में स्थित है। कहां पर है, उदयपुर, थूर हुंडूर क्षेत्र उदयपुर में। और दूसरा नाथरा की पाल, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, नाथरा की पाल, इनको अपन एक्सप्लेन करेंगे, नाथरा की पाल ध्यान से देखेंगे, थूर हुंडूर क्षेत्र उदयपुर, नाथरा की पाल यह है भी उदयपुर में, नाथरा की पाल कहां पर है, उदयपुर में। ये थूर हुंडूर क्षेत्र बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। थूर हुंडूर क्षेत्र जो है वह लोहे उत्पादन का क्षेत्र है, यहां पर लोहे खनिज प्राप्त होता है। नाथरा की पाल भी लोहे उत्पादन से संबंधित है। तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र निम्नलिखित, दूसरी संभावना क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है, कौन सा स्थान लोहे उत्पादन के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, इस प्रकार से प्रश्न भी बनता है। तो मोरिजा बनोला क्षेत्र, आपको मैं बता दूं कि राजस्थान में जो लोहे का उत्पादन है उसमें राजस्थान में मुख्यतः हेमेटाइट श्रेणी का लोहा प्राप्त होता है। किस श्रेणी का, हेमेटाइट श्रेणी का लोहा प्राप्त होता है। कौन सा लोहे का है, इसके राजस्थान में मुख्यतः प्राप्त होता है, हेमेटाइट श्रेणी का लोहा प्राप्त होता है। कौन सी श्रेणी का, हेमेटाइट श्रेणी का। तो मोरिजा बनोला क्षेत्र की अपन बात करें तो मोरिजा बनोला क्षेत्र कहां पर स्थित है, जयपुर में, जयपुर में कहां पर, सामोद के पास। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, ये सामोद के पास स्थित है, सामोद के पास, सामोद कहां पर, चोमू के पास भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, मोरिजा बनोला क्षेत्र जो है वह लोहे उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान में सर्वाधिक लोहा जो है वो इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है, सामोद के पास, चोमू के पास। बेर के साथ साथ लोहा भी आप उत्पादन कर सकते हैं वहां पर। तो सामोद के पास है, जयपुर में स्थित है, यहां पर लगभग 25 लाख टन लोहे का जमाव है। कितने लाख टन, दूसरी शब्द जो आपको याद रखना है आरएस मेंस की दृष्टि से, 25 लाख टन यहां पर लोहे का जमाव है, ठीक है, लोहे का जमाव है। अब कौन कौन सी खाने हैं उनका नाम भी आप लोगों को जानना जरूरी है कि यहां पर कौन कौन सी खाने हैं। तो देखिए टोडा चीपलाटा,
टोडा चीकलाटा, ये खाने जो है यहाँ पर है, कहाँ पर? मोरिजा बनाला क्षेत्र में। टोडा चीकलाटा बनिया का वास, बागा वास और भाटों की गली, बनिया का वास, भाटों की गली, बनिया का आवास, भाटों की गली, ठीक है। बनिया का आवास है, भाटों की गली है, टोटा चीपलाटा है, बागावास है और तातेरी है, बागावास और तातेरी, ये खाने जो हैं वह किसके हैं? लोहे उत्पादन के हैं। कहां पर हैं? मोरिजा बानोला क्षेत्र में। प्रश्न क्या आ गया कि भाई टोटा चीपलाटा क्षेत्र, बनिया का आवास, भाटों की गली, ये क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो आप लोगों के तीनों का नाम जुड़ करके प्रश्न आ गया, तो आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूज उत्पन्न हो जाता है, यार ये कहां से आ गई भाटों की गली, बनियों का वास। तो आप ध्यान में रखेंगे ये सामोद के पास स्थित है, लोह खनिज के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में सबसे अधिक लोहा इन्हीं खानों से प्राप्त होता है, और ये खाने का कौन सी श्रेणी का लोहा यहाँ पर उत्पादित किया जाता है? तो आप बताएंगे हेमेटाइट श्रेणी का लोहा यहाँ से प्राप्त होता है, और लगभग 25 लाख टन लोहे का जमाव मोरिजा बानोला क्षेत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे कौन सा नीमला रायशेला क्षेत्र, और नीमला रायशेला क्षेत्र कहां पर है भाई? दोसा में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में देख रहे हैं, नीमला रायशेला क्षेत्र, नीमला रायशेला क्षेत्र, नीमला रायशेला क्षेत्र कहां पर है? दोसा में। दोसा, नीमला रायशेला क्षेत्र कहां पर है? दोसा जिले में है, और दोसा जिले जो है उसे लगभग 24 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, दोसा जिले में लगभग 24 किलोमीटर उत्तर में, दोसा के उत्तर में है, 24 किलोमीटर यहां से पड़ता है। यहां पर उत्तम किस्म का हेमेटाइट प्राप्त होता है, ये ध्यान में रखना, उत्तम किस्म का हेमेटाइट, उत्तम किस्म का हेमेटाइट कहां से प्राप्त होता है? नीमला रायशेला क्षेत्र, नीमला रायशेला जो क्षेत्र है वहां से उत्तम किस्म का हेमेटाइट प्राप्त होता है, ध्यान में रखेंगे। नीमला पहला प्रश्न, पहली संभावना, नीमला रायशेला क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाना चाहिए लोहा खनिज के लिए। दूसरा प्रश्न, नीमला रायशेला क्षेत्र से लोहे का कौन सा, किस श्रेणी का अयस्क प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे हेमेटाइट श्रेणी का। तीसरा प्रश्न बनता है, हेमेटाइट जो अयस्क है वह किस प्रकार का अयस्क है? आप बताएंगे ऑक्साइड प्रकार का अयस्क है, ऑक्साइड है ना, Fe2O3 ऑक्साइड है हेमेटाइट श्रेणी का। और चौथी खास बात यह है कि नीमला रायशेला क्षेत्र से जो लोहा या प्राप्त होता है, अयस्क जो प्राप्त होता है, उसको किसके, कौन सी कंपनी ले जाती है? टाटा इस्पात कंपनी को यहां का, टाटा स्टील को यहाँ का जो अयस्क है हेमेटाइट श्रेणी का, जिसमें यहाँ से जो हेमेटाइट श्रेणी का लोहा प्राप्त होता है, यहाँ उसमें 72% लोहांश पाया जाता है, शुद्धता कितनी है? 72%, मतलब अगर 100 किलो हेमेटाइट प्राप्त होगा तो उसमें लगभग 72 किलो लोहा एकदम शुद्ध आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो बड़ी उत्तम किस्म का हेमेटाइट राजस्थान में कौन से क्षेत्र से प्राप्त होता है लोहे का अयस्क? तो आप बताएंगे नीमला रायशेला क्षेत्र से प्राप्त होता है। आगे बात समझ में, और किस कंपनी को भेजा जाता है? टाटा स्टील को, ठीक है, टाटा स्टील या टाटा स्टील को कौन सा जो अयस्क जो है वो कहां से प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे नीमला रायशेला क्षेत्र से। नीमला रायशेला क्षेत्र जो है वह कहां है? दोसा में है। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और यहां पर कुल जमाव 10.5 लाख टन जमाव है, 10.5 साढ़े 10 लाख टन हो गए यहां लोहे का जमाव है। तो आप एक ध्यान में रखेंगे नीमला रायशेला क्षेत्र दोसा में है, लोहे खनिज के लिए उत्तम किस्म का हेमेटाइट प्राप्त होता है राजस्थान में, तो आप बताएंगे नीमला रायशेला क्षेत्र में। लोह उत्पादन में कौन सा क्षेत्र राजस्थान में प्रथम स्थान पर है? तो आप बताएंगे मोरिजा बानोला क्षेत्र, ठीक है। तीसरी अपन बात करें तो नीम का थाना क्षेत्र की बात करते हैं, नीम का थाना क्षेत्र से भी लोहे का उत्पादन होता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, नीम का थाना क्षेत्र। तीसरा कौन सा हो गया? नीम का थाना क्षेत्र, नीम का थाना क्षेत्र जो है
आपको पता है सीकर में स्थित है। नीम का थाना क्षेत्र कहां पर है? सीकर में स्थित है। यहां से भी लोहा प्राप्त होता है, लेकिन इतनी अच्छी किस्म का लोहा प्राप्त नहीं होता है। क्या प्रश्न बनता है कि फास्फोरस युक्त हेमेटाइट राजस्थान में कहां से प्राप्त होता है? प्रश्न क्या हो जाएगा, नीम का थाना जो क्षेत्र है यहां से फास्फोरस युक्त हेमेटाइट, फास्फोरस युक्त हेमेटाइट प्राप्त होता है। फास्फोरस युक्त हेमेटाइट कहां से प्राप्त होता है? नीम का थाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। भाई फास्फोरस युक्त हेमेटाइट नीम का थाना क्षेत्र से प्राप्त होता है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। और यह है अनार्थिक, एक तरह से आर्थिक नहीं है, इसको इसका व्यापारिक उत्पादन ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। इसका मतलब अनार्थिक हेमेटाइट, प्रश्न आ गया कि अनार्थिक हेमेटाइट कहां से प्राप्त होता है? अनार्थिक हेमेटाइट है ये राजस्थान में, नीम का थाना जो क्षेत्र है वहां से फास्फोरस युक्त हेमेटाइट प्राप्त होता है, जो कि अनार्थिक है, ज्यादा लाभदायक नहीं है, इसलिए इनका जिसका ज्यादा उत्पादन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखेंगे, नेक्स्ट क्षेत्र जो है वह डाबला क्षेत्र है। और डाबला क्षेत्र किससे संबंधित है? भाई आपको बता दिया, झुंझुनू में है, लोह है उत्पादन के लिए है। डाबला क्षेत्र जो है वो माउंडा रेलवे स्टेशन से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता है, लगभग 13 किलोमीटर एग्जैक्ट अपन बात करें तो 13 किलोमीटर के आसपास डाबला क्षेत्र वहां से पड़ता है। कितना किलोमीटर? 13 किलोमीटर है। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोह खनिज के लिए प्रसिद्ध है। और डाबला क्षेत्र जो है इसमें लगभग 7 लाख टन का जमाव क्षेत्र है। डाबला क्षेत्र कितना है? 7 लाख टन। डाबला क्षेत्र जो है, डाबला क्षेत्र कहां पर है भाई? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? झुंझुनू में है। किसमें है? झुंझुनू में। कितना? 7 लाख टन यहां पर जमाव है और माउंडा रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। माउंडा रेलवे स्टेशन, माउंडा जिल्लो ये जुड़े हुए हैं, माउंडा रेलवे स्टेशन। और माउंडा रेलवे स्टेशन जो है वहां से लगभग 13 किलोमीटर जो है ये पड़ता है डाबला क्षेत्र, जहां से हेमेटाइट श्रेणी का लोहा प्राप्त होता है। किस श्रेणी का लोहा प्राप्त होता है? हेमेटाइट श्रेणी का लोहा प्राप्त होता है। कहां से? डाबला क्षेत्र से। और डाबला क्षेत्र जो है वहां की प्रमुख खाने कौन कौन सी है? देखो, सियोड़ी, नाइकी डाणी और काली पहाड़ी, ये ध्यान में रखना, खूब इंपॉर्टेंट पर्सन है। सियोड़ी, सियोड़ी, नाइकी ढाणी, सियोड़ी, नाइकी ढाणी और काली पहाड़ी, प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सियोड़ी, नाइकी ढाणी, काली पहाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सियोड़ी, नाइकी ढाणी और काली पहाड़ी ग्रुप में पूछे जाते हैं, एक नहीं पूछा जाएगा काली पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। ये नहीं, ये तीन इस प्रकार से बनाएंगे कि इनका अर्थ भी सार्थक हो जाए और इसको कोई चैलेंज भी नहीं करे, क्योंकि ये तीनों ग्रुप जो है वह किससे संबंधित है? डाबला क्षेत्र से संबंधित है। सियोड़ी है, नाइकी ढाणी है, काली पहाड़ी है और किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर आ जाना चाहिए आपका, लोहे खनिज के लिए प्रसिद्ध है। हेमेटाइट श्रेणी का लोहा यहां से प्राप्त होता है। अगर बात समझ में, अब हम देखते हैं नेक्स्ट दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र मैंने आपको बताया कि दो क्षेत्र हैं, एक तो थूर हुंडूर क्षेत्र और दूसरा नाथराठी पाल। आप लोगों से पूछ ले, राजस्थान में फास्फोरस युक्त हेमेटाइट कहां से प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे नीम का थाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ ले कि सियोड़ी, नाइकी ढाणी, काली पहाड़ी ये जो क्षेत्र है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे लोह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ, कौन से जिले में स्थित है? तो आप बताएंगे झुंझुनू जिले में स्थित है। डाबला झुंझुनू जिले में स्थित है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? ये लोह उत्पादन के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के बारे में हमने चर्चा की है। पहला क्षेत्र आपने देखा मोरिजा बनोला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र देखा नीमला रायशेला क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र देखा नीम का थाना क्षेत्र और चौथा पहाड़ देगा इसका डाबला क्षेत्र। ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अलवर में भी लोहा का उत्पादन होता है और अलवर में मुख्यतः राजगढ़ व पूर्वा क्षेत्र, ये भी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आते हैं। ये राजगढ़ व पूर्वा क्षेत्र अलवर में, राजगढ़ पूर्वा क्षेत्र जो है ये यहाँ पर भी लोहे का उत्पादन किया जाता है। चर्चा करते हैं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र की। देखिए
दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो है उसमें दो मेरे नाम लिखे हैं, ये उदयपुर जो है वहां पर है दोनों ही, एक तो थूर हुंडूर क्षेत्र और नाथरा की पाल। कंसेप्ट क्लियर करेंगे, देखो उदयपुर है, उदयपुर को अगर अपन दिशा से अपन चर्चा करें, उदयपुर ये उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा, ठीक है, ये पूर्व और ये पश्चिम। अगली बात समझ रहे, जो थूर हुंडूर क्षेत्र है और ये जो नाथरा की पाल है, नाथरा की पाल जो है ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में है, ये पूर्वी क्षेत्र यहां तो है इसमें नाथरा की पाल, उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र नाथरा की पाल कहां पर है, ये है नाथरा की पाल उदयपुर के। लिखना भी पड़ता है अपने को कभी कभी, कोई बड़ी एग्जाम जो होती है और आप लोगों को ध्यान में पूछे, नाथरा की पाल स्थित है उदयपुर के उत्तर पूर्व में, उदयपुर के दक्षिणी पूर्व में, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, तो आपके आंसर बताएंगे नाथरा की पाल तो है उदयपुर के दक्षिणी पूर्व में स्थित है। नाथरा की पाल कहां स्थित है, उदयपुर के दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में स्थित है और लगभग उदयपुर से 48 किलोमीटर है। कितनी है, 48 किलोमीटर, उत्तर कौन सी दिशा में, दक्षिणी पूर्व दिशा में। और ये जो क्षेत्र है दक्षिणी थूर हुंडूर क्षेत्र, ये उदयपुर से लगभग 24 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। कितने किलोमीटर, 24 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम कहां से आएगा, ये देखो एकदम एंटी है, ये थूर हुंडूर क्षेत्र है, थूर हुंडूर क्षेत्र ये उदयपुर से 24 किलोमीटर है, याद रखने की है, रीड करने की अपनी अपनी कला है। थूर हुंडूर क्षेत्र उदयपुर के उत्तर पश्चिम में 24 किलोमीटर है और इसका जस्ट डबल 24 दूनी 48 किलोमीटर की कौन सी दिशा हो गई है, दक्षिणी पूर्वी दिशा में नाथरा की पाल स्थित है। अगले बात समझ में, थूर हुंडूर क्षेत्र और नाथरा की पाल दोनों जो है, नाथरा की पाल किससे संबंधित है, यहां पर किस श्रेणी का लोहा उत्पादन होता है, तो आप बताएंगे हेमेटाइट श्रेणी का लोहा प्राप्त होता है और कौन से जिले में स्थित है, उदयपुर जिले में स्थित है। इसी प्रकार थूर हुंडूर क्षेत्र जो भी है वह भी उदयपुर के उत्तर पश्चिम में लगभग 24 किलोमीटर दूर स्थित क्षेत्र है और किस श्रेणी का लोहा यहां से प्राप्त होता है, तो यहां पर भी जो हेमेटाइट श्रेणी का लगभग 50,000 टन का भंडार स्थित है। यहां पर 50,000 टन कौन सी श्रेणी, वही हेमेटाइट श्रेणी, हेमेटाइट श्रेणी का लोहा यहां से प्राप्त होता है, कौन से क्षेत्र से, थूर हुंडूर क्षेत्र से, ठीक है, कॉमन सी बात है, थूर हुंडूर क्षेत्र से 50,000 टन लोहा, लेकिन उत्तम किस्म का नहीं मिलता है, यहां पर निम्न कोटि का लोहा प्राप्त होता है। थूर हुंडूर क्षेत्र से कौन सा कथन गलत है, थूर हुंडूर क्षेत्र नंबर एक, यह उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है, एकदम सही बात है, उदयपुर से लगभग 24 किलोमीटर है, यह भी सही बात है, यहां पर 50,000 टन का जमाव है, यह भी सही बात है, और चौथी बात लिख दी, यहां पर उत्तम किस्म का हेमेटाइट प्राप्त होता है, तो यह गलत बात हो गई, क्योंकि थूर हुंडूर क्षेत्र जो है वहां से निम्न कोटि का हेमेटाइट प्राप्त होता है, अच्छी किस्म का हेमेटाइट नहीं प्राप्त होता। उत्तम किस्म का हेमेटाइट कहां से प्राप्त होता है, बताएंगे नीमला रायशिला क्षेत्र जो है वहां से उत्तम किस्म का हेमेटाइट प्राप्त होता है, ठीक है, जो किसको को जाता है, टिस्को को जाता है, टाटा स्टील को जाता है, वह किसको जाता है, टाटा स्टील, टाटा कंपनी उसको ले जाती है और उससे लोहे का कई प्रकार की चदरें वगैरह जो भी है, सरिये वगैरह टाटा स्टील की वो बनाती है। तो इस प्रकार नाथरा की पाल ये उदयपुर की कहां पर स्थित है, दक्षिणी पूर्व में स्थित है और लगभग 48 किलोमीटर है। यहां पर भी 20 लाख टन लोहे के भंडार है, 20 लाख टन, यहां पर 50 लाख टन है, यहां पर 20 लाख टन है। खास बात है यहां से हेमेटाइट श्रेणी का लोहा प्राप्त नहीं होता है, कौन से, नाथरा की पाल से हेमेटाइट श्रेणी का लोहा प्राप्त नहीं होता है। इस लो हेमेटाइट श्रेणी का तो प्राप्त होता ही है, लेकिन मुख्यतः यहां पर हेमेटाइट के अलावा मैग्नेटाइट श्रेणी का लोहा भी प्राप्त होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। मैग्नेटाइट किस जो है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, हेमेटाइट दोनों किस्म का लोहा कहां से प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे नाथरा के पाल से। मतलब बहुत बढ़िया प्रश्न बन गया है कि राजस्थान में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा कहां से प्राप्त होता है, नाथरे के पाल से। नाथ में मैग्नेट लगा दो, नाथ जानते हो, नाथ कोई भैंसे के बैल के नाथ डालते नाक में और उसमें मैग्नेट और लगा दो,
है ना, मैग्नेट की नाथ डाल दो तो वो कंट्रोल में रहता है। तो मैग्नेटाइट जो अयस्क है वह राजस्थान में किस स्थान से प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे नाथरा की पाल से। कहां से प्राप्त होता है, नाथरा के पाल से। उत्तम किस्म का हेमेटाइट कहां से प्राप्त होता है, नीमला रायसेला क्षेत्र से प्राप्त होता है। थूर हुंडूर क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, आप बताएंगे लोह के लिए, हेमेटाइट श्रेणी का लेकिन निम्न कोटि का अयस्क यहां से प्राप्त होता है। लास्ट पॉइंट अपन चर्चा करेंगे, कुछ एक दो प्रश्न और पूछ लेते हैं अन्य क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में लगभग 50-60 प्रश्न अपन देख चुके हैं और इनकी हम चर्चा भी करेंगे अलग से। तो आप लोगों को चार शब्द में लिख रहा हूं। नंबर ए लोहारपुरा, लोहारपुरा प्रश्न आ गया, लोहारपुरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यह कहां पर है, बूंदी में स्थित है और लोह खनिज के लिए प्रसिद्ध है। लोहारपुरा, लोहारपुरा कहां पर है, बूंदी में है, किस खनिज के लिए, लोह उत्पादन के लिए, यहां से भी लोहे के अयस्क प्राप्त हुए हैं। अन्य क्षेत्रों में लोहारिया, खामरिया और तलवारा, देखो लोहारपुरा अलग है और लोहारिया आप लोगों से पूछ लिया, ये ग्रुप आ गया, लोहारिया खामरिया तलवारा, लोहारिया खामरिया तलवारा ये जो है ये डूंगरपुर में है। डूंगरपुर ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे लोहे के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध यहां पर भी लोहा प्राप्त होता है। पर पूछ लेते हैं लोहारपुरा बूंदी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे लोहे के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लोहारिया खामरिया तलवारा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे कहां पर स्थित है, डूंगरपुर में, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, लोहे उत्पादन के लिए है। इसी प्रकार इंद्रगढ़, अन्य क्षेत्रों में बात कर रहे हैं, इंद्रगढ़ और इंद्रगढ़ है भीलवाड़ा में, प्रश्न क्या बढ़ जाए, इंद्रगढ़ जो कि लोह खनिज के लिए प्रसिद्ध है कहां स्थित है, तो आप बताएंगे भीलवाड़ा में। यह प्रश्न आ जाएगा इंद्रगढ़ भीलवाड़ा कोष्टक में, इंद्रगढ़ भीलवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, आप बताएंगे फिर लोहे के लिए यह प्रसिद्ध है। फिर कमलपुरा और लामिया ये बांसवाड़ा में है, कमलपुरा एंड लामिया ये बांसवाड़ा में स्थित है और किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे लोहे के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रसिद्ध है लोहे के लिए प्रसिद्ध है। बहुत प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों के सामने इस क्लास में आप लोगों ने रीड किए, आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए ला सकें। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद।